हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द जैन किचन। जैन किचन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही सिंपल सादा पोहा, मटर के पोहा, सैलेड पोहा, जो कि इस मौसम में आप आसानी से बना सकते हो। सारी वेजिटेबल्स आसानी से मिल जाती हैं, गाजर, मटर, बीटरूट। इसके लिए हमने 1 kg पोहा लिया है, टेस्टी टेस्टी पोहा, इंदौरी पोहा हम यूज़ कर रहे हैं। इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इन्हें अच्छे से देख लेंगे, इसमें कोई गंदगी तो नहीं है। इस तरह हमने 1/2 kg पोहा एक बर्तन में ले लिया है, इसमें हम पानी डालकर रख देंगे। और दूसरे बर्तन में भी हमने 1/2 kg पोहा लिया है, उसमें भी हम इस तरह से पानी डाल देंगे। इन्हें ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, जैसे ही हम पानी डालेंगे उसके बाद हम थाली में इस तरह से प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर कोई बड़ी छलनी है चावल वाली या कोई ऐसी बकेट ले लीजिए, इसमें हम पूरा पानी निकाल देंगे और इन्हें फरेरे होने देंगे। जब तक हम वेजिटेबल्स पकाएंगे तब तक पोहा फरेरे हो जाएंगे, हल्के हल्के ड्राई। देखिए इस तरह से, इसमें हम 1.5 चम्मच मींस 1 चम्मच और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। और फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, 3 चम्मच शुगर हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, इस तरह मिक्स करना है। इससे मसाले बहुत आसानी से मिल जाएंगे। एक कढ़ाई को हमने गरम करने रख दिया है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, मस्टर्ड ऑयल में हम इसे बना रहे हैं। ऑयल के गरम होने के बाद इसमें हम 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच सौंफ और 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। पच्चीस से 30 करी पत्ता की लीव्स, आप ड्राई वाली भी ले सकते हो या ताजी करी लीव्स भी आप इसमें डाल सकते हो। 7 हरी मिर्च हमने कट करके रखी हुई थी। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप मटर ऐड करेंगे। इन्हें पकाएंगे। हमने पोहा में नमक डाल दिया है तो हम वेजिटेबल्स में नमक नहीं डालेंगे। इस तरह अब हम इसमें 4 या 5 टमाटर कट करके डाल देंगे।
अगर छोटे साइज़ के टमाटर आप ले रहे हो तो 6 ले लीजिए। इस तरह इन्हें पकने देंगे, हल्का पकाना है। मटर भी हमारी अच्छे से पक चुकी होगी, टमाटर हमें ज़्यादा नहीं गलाना। इस तरह अब हम इसमें पोहा ऐड करेंगे। देखिए कितनी जल्दी ये नाश्ता आपका बन के तैयार हो जाएगा। आप पोहा की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मसाले डालिए। देखिए अब हम इसे अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, जिससे पोहा हमारा टूटे नहीं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खिला खिला पोहा तैयार हुआ है। देखिए हम सर्व करके बताते हैं इसको। इस पर हम सैलेड स्प्रेड करेंगे, बीटरूट डेट किया हुआ। और कैरेट, ग्रेट की हुई और भी वेजिटेबल्स आप इस पर डाल सकते हो, प्याज वगैरह अगर आप पसंद करते हो तो। और इस पर थोड़ा सा नींबू का रस डालिए, नमकीन पसंद करते हो तो आप नमकीन भी डाल सकते हो, नमकीन सेब जो आते हैं। इस तरह देखिए हमारा गर्मा गर्म पोहा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़